वाले कुल विजहतुन हुवा मवल्ली हा फस्ताबे कुल खैरात एनमा तकूनु यातिबिकुमुल्लाहु जमीया इन्नल्लाह अला कुल शैन कदीर। बारगाह रब्बुल इज्जत के अंदर हमद दा नजराना पेश करके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पाक बारगाह दे विच हदिया सलात व सलाम पेश करूं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर सय्यदुना मुहम्मदुन व सय्यदुना मुहम्मदुन व अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मद। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया वाले कुल विजहतुन हुवा मवल्ली हा, हर कौम दे वास्ते एक सिमत मुकर्रर है, वो उसे दी तरफ मुँह करती है। फस्ताबे कुल खैरात, पस अगे बढ़ जाओ दूसरों के नालों नेकियां दे विच। ऐना मा तकूनु यातिबिकुमुल्लाहु जमीया, तुसी जिथे भी हो लाएगा अल्लाह ताला तुहानू सबनू। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैन कदीर, यकीनन अल्लाह ताला हर चीज़ दे उत्ते कादर है। मौलाना रूम ने इस मजमून दे उत्ते कि किबले केड़े केड़े बंदे ते केड़े केड़े गुरोह दा केड़ा किबला, उस तों जिक्र फरमाया है। तुसी उन इस उस तो पहले मैं हजूर सैयदना गौसे आजम रजी अल्लाह ताला नो दा एक फरमान है, वो उसनों मैं पढ़ना है, उसनों गौर दे नाल सुनया जे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहबजादा, जब तेरा कलब दुरुस्त हो जाएगा तो हक ताला और फरिश्ते और साहिबान इलम उसकी तंदुरुस्ती की शहादत देंगे। इंसान दे वजूद दे अंदर एक दिल है और अल्लाह दी ज़ात पाक ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया यौम ला यन्फा मालूम वला बनून इल्ला मन अतल्ला बिकल्बिन सलीम, कि जिस दिन तैनू ना माल तेरा नफ़ा देवेगा ना तेरा औलाद बेटे तेन नफ़ा देंगे, तैनू नफ़ा देवेगा कल्बे सलीम, यानी माँ सिवा दे कोलो पाक और अल्लाह दी जात पाक दी मुहब्बत और दर्द दे नाल लबरेज जेड़ा दिल है वह तैनू फायदा देवेगा। हजूर सैयदना गौसे आजम रजी अल्लाह ताला ने फरमा देने कि जिस वक्त तेरे दिल दी हालत तंदरुस्ती होवेगी कि तमाम बीमारियां दे कोलों अल्लाह पाक उसनु पाक फरमा देगा, वो बीमारी
जिहड़ी दिल नू इंसान दे नू खराब करदी उह किहड़ियां किहड़ियां बीमारियां ने, तकब्बुर है, गुरूर है, निफाक है, शिरक है, कीना परवरी है, हसद है, और हर वो माँ सिवा दी मुहब्बत है जिहड़ी इंसान दे वास्ते हिजाब बन जाती है और उसनू अल्लाह पाक दे राह तो गाफिल करती है। तो फरमा देने कि तंदरुस्त जिहड़ा दिल है ना, उसकी गवाही दे वास्ते तैनू खुद दावा नहीं करना पैना। हक ताला और फरिश्ते और साहिबान इलम वो शहादत देंगे कि इनका दिल साफ हो चुका है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक के अंदर फरमाया कि जिस वक्त अल्लाह की ज़ात पाक किसी नू कबूल फरमाता है तो वह फिर हुक्म देता है जबरीले अमीन नू कि होका दे कि इस बंदे नू मैं कबूल फरमा लिया। तो फरमाया वही दावेदार खड़ा करेगा जो मुद्दई बनेगा और वही खुद गवाही देगा। फरमा देने कि तेनू खुद दावादार बनने की जरूरत नहीं, अल्लाह की जात पाक आप ही तेरे इस गल का दावेदार पैदा करेगा और वो ही गवाही देवेगा कि इनका दिल जड़ा है वो तमाम आलैशां दे कोलों पाक हो चुका है। मौला रूम ने इस दे उत्ते बहुत जोर दिता है। रूमियां ते चीनियां दी हकायत दे विच भी जनाब ने फरमाया कि वो रूमी कौन ने और चीनी कौन ने। जनाब फरमा दे ने चीनी तो ने जिहड़े नक्शो निगार दे कायल ने और उन्हां तस्वीरां दे ते हुसन ते उन्हूं पैदा करने, और रूमी वो ने जेड़े सिर्फ दीवार दिल दी नू मांजदे ने बस, कोई रंग कोई रोगन कोई नकश वो हर चीज़ नू मिटांदे हैं। वो अल्लाह दी जात पाक दी मुहब्बत च उन्हां नू सूफी आंदे ने कि जिहड़े हर वक्त अपने दिल दी हिफाजत दे विच रहिंदे ने कि कोई नक्शे गैर इस दे उत्ते ना आ जावे। मौलाना रूम ने फरमाया, जनाब ने फरमाया दफ्तरे सूफी सवादो हर्फ नेस्त, कि जेरी किताब सूफी पढ़ता है ना, ना दफ्तरो दफ्तरे सूफी सवादो हर्फ नेस्त, ना तो वो स्याही है तो ना कोई उन उत्ते हर्फ और नकशी है, फिर वो की पढ़ता है। जिस दिले इस पेद हमचू बर्फ नेस्त, अखे वो बर्फ़ की तरह सफेद दिल रखता है। और बर्फ़ दे नाल तशबी इस वास्ते दिती कि अगर बर्फ़ दे उत्ते कोई इंसान लिखे तो वो दे ते लिख नहीं सकता, उस वक्त तो मिट जाता। तो फरमा देने के सूफी दे दिल दी जिहड़ी किताब है ना, उनदे उत्ते ना तो कोई नकश है, ना सफाई है, ना उसके उत्ते स्याही है, ना कोई हरफ है। वो सिर्फ एक दिल रखता है, उनका दिल की किताब इस तरह की बर्फ की तरह के सफायद है कि जिन दे उत्ते कोई लिखन की कोशिश कर जाए तो कोई लिख नहीं सकता, कोई बहन की कोशिश बना करे तो बह नहीं सकता, कोई जागोजीन होने की कोशिश करे तो। रूमी दूसरे मकाम तो जनाब फरमाते ने कि जिहड़ा इंसान का अल्लाह की जात पाक दे आशक का दिल है ना, छे गुठा शीशा है, मशरक ने जेत मशरक फिर मगरब फिर शमाल फिर जनूब फौक तात। तो फरमा देने कि अल्लाह की जात पाक ने दिल नू छे गुठा शीशा बनाया और हर गुठ दे विच नाजर खुदा की जात है कि कोई इत्थे होर तो नहीं मौजूद सवा मेरे। जनाब फरमा देने तू भी दावा करना कि मेरा भी दिल है, पर अगर तेरा दिल तो इवें में जिमें चिक्कड़ च पानी हुंदा, चिक्कड़ च पानी तो जरूर है पर वजू करन दे काबिल नहीं है।
तू इस वहम पै गया भी मेरा भी दिल है। फरमाते हैं कि दिल की तारीफ तो यह वे कि छे गुट्ठा शीशा है और उस अल्लाह पाक वेखता है कि सवा मेरे तो किसी होर का प्यार तो नहीं इन प्यार, क्योंकि इंसान की तखलीक ही अल्लाह ने अपनी मुहब्बत वास्ते की। दूसरिया चीज़ा सारिया मेरे मालिक का करम है इंसान की फजीलत को साबित करने वास्ते, और इनकी फजीलत सिर्फ यही है कि हर लहजा अपने मालिक करीम के नाल इसे दिल का ताल्लुक है। हजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला बस अपनी ज़ात के लिए उसकी तंदुरुस्ती की गवाही देने की तुझको ज़रूरत ना होगी। फरमाते ने तेनू ये साबित करने की जरूरत नहीं कि मैं बड़ा साफ सुथरा हो गया, पाक हो गया, तंदुरुस्त हो गया, हर बीमारी दे कोलो हर अलाइश कोलो पाक हो गया। फरमाते ने कि तेनू अपने मुतलक अपनी गवाही की जरूरत नहीं। बस जब ये मजमून तेरे लिए पूरा हो जाएगा तो तू इस्तेकामत की बदौलत तू अटल पहाड़ बन जाएगा। फरमाते ने फिर कि तेरी निशानी ये वे कि जिवें पहाड़ एक जगह दे उत्ते खड़ा है ना, ना आधी ना आधियाँ उसको मिटा सकेंगी और ना बर्छियाँ उसको तोड़ सकेंगी। मखलूक का देखना और उनसे मिलना जुलना तेरे अंदर असर कर सकेगा और ना तेरे कलब में खराश डाल सकेगा और ना तेरे बातिन की सफाई को गदला कर सकेगा। फरमाते ने कि कोई चीज़ तेरे दिल नू अपनी सिमत तो इधर उधर नहीं कर सकेगी। तेरा दिल हमा वक्त अखे अपने किबले की तरफ ही रहेगा, वो इधर उधर नहीं हो सकता। मौलाना रूम फरमाते ने मून से अहमद बम्बज से चार यार मजल से चार यार मून से फरमाते ने कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पाक मजलस दे विच जेड़े हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मंजूर नज़र ने हजूर दे चार यार। फरमाते ने कौन ने? सैयदना अबू बकर सदीक, सैयदना उमर फारूक, सैयदना उस्मान गनी और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। फरमाते ने मून से अबू जहल उतबा जुल खुमार और अबू जहल के जेरे दोस्त हैं वो कौन है ने? उतबा है काफिर मुशरक सी और जुल खुमार सी एक काफिर सी, वो अपने मुँह के उत्ते उड़ने उड़ी रखता सी कपड़ा सट्टी रखता सी तो उन्हें जुल खुमार आखते तो बेटू मैं मजलिस कर रहा हूँ फिर दो मिनट खंड में आ रहा हूँ फिर चले आपका मजलिस करके अभी आता हूँ बैठ जाए फिर चलो जी। काबा जनाब फरमाते ने काबा जेड़ा है जबरील और रूहां दा किबला सिदरा है। सिदरा वो मकाम है कि जिस दे उत्ते
बेरी का दरख्त है सत्तवें आसमान के उत्ते वे सईदना जबरील अलैहि सलाम ने अर्ज किया कि हजूर मैं इस तो अगे नहीं जा सकता जी। इस तो अगे मैं गुंजाइश नहीं जानती। रूमी फरमाते ने किबला है अब्दुल बतून शुद्ध सुफरा है तो जेड़ा बंदा के पेटू है तो हर वक्त खाशात का खान पीन का शौकीन है उनका किबला की है जनाब फरमाते उनका किबला दस्तरखान है भी कितने चंगा टुकर मिलता है कितने चंगी शाय मिलती है कितने मैनू मेरी तबीयत के मुताबक खुराक मिलती है। तो फरमाते हैं कि पेटू का जो किबला है वह दस्तरखान होंदा कि उन्हें होर किसी शाय की जरूरत नहीं वो हमेशा तलाश इस रहा भी टुकर कितने चंगा लभदा तो जिथे टुकर चंगा लभे जनाब फरमाते अब्दुल बतून उ तेनों लगा उन्हें होर तलाश की जरूरत कोई नहीं है कोई बेलू पेटी हो पेटू हो भी ना तो उन्हें लभना हो वेख भी टुकर कि जगह तो चंगा पकदा जिथे चंगा पकदा उत्थे बैठा होगा उत्थे लभेगा तो उत्थे बैठा होगा उसका इो काम है सोच फिक्र सफर हजर जाना आना सब कुछ का नतीजा होंदा है वे भी कितने रोटी चंकी पकेगी कि शाय कि जगह तो लभेगी उत्थे फिर वो तेन लभ पवे करेगा। आम बंदे वेखते हैं कि उन्होंने शौकीन होंगे ना होटलिंग का तो दुनिया के सारे होटलों का उन्होंने पता होंगे फलानी जगह पकदा फलानी जगह पकदा फलानी जगह पकदा फलानी जगह फलानी शायद बड़ी अजीज लजीज पकती है तो अल्लाह की जात पाक की मुहब्बत के जेडे मुहब्बत आए ने उन्होंने किबला कितने वो ये गल लभदे ने कि गल है जिन्हें सुनिया दिल की मुहब्बत दिल की दुनिया के इजाफा हो जाएगा नूर आ जाएगा दिल में सुकून मिलेगा दिल में राहत मिलेगा। वो जिमें अल्लाह हज़रत फरमा दे उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं जिस राह चल गए चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है कलियां खली दिल की हवा ये किधर की है हवा ये किधर की है जी किबला वद नूरे विसाल अल्लाह दी जात पाक ने इरशाद फरमाया मा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून कि मैं इंसाना और जिन्ना दी तखलीक इस वास्ते कीती है कि वो मेरी इबादत करन और इबादत दा माना मुफसरीन ने फरमाया कि ताकि वो खुदा नू पहचानन यारे फून माना कर। मौलाना रूम फरमाते ने कि अल्लाह दी जात पाक दे आरिफ दा किबला की है कि नूरे विसाल है नूरे विसाल और फरमाते ने हमा रोज दर उम्मीदम के रसम ब वसल रोजे अखे हर दिन मैं इस उम्मीद च गुजारना वा कि मैनू कदों मेरा महबूब मिलेगा हमा शब्द हमा रोज दर उम्मीदम के रसम ब वसल रोजे हर शब दरी ख्यालम के शब बखाब आई अखे जिस वक्त दिन गुजर जाता है ना तो फिर मैं रात आ जाती तो फिर मैं इस रात को इस ख्याल च गुजार देना भी चलो विसाल रात दिन तनी होगा रात तो हो ही जाएगा हम दिन रात इसे दे काम में च हम रोज़ दर उम्मीदम के रसम ब वसल रोज़े हर शब्द नी ख्यालम के शब बखाब आई। फरमा देने निशक की कायनात में दिन है कहीं ना रात है
तेरा जमाल जाने जहाँ मेरी नज़र के साथ है, तेरा जमाल जाने जहाँ तेरी नज़र के मेरी नज़र के साथ है। रूमी फरमाने किबला है आरिफ बवद नूरे विशाल, के आरिफ दा जरा किबला है अल्लाह दी जात पाक दे पहचानन वाले दा, वो के किसी तरफ मुँह करके नमाज करता है वो आखदा विशाल होवे मालूम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माल एहसान हो, जबरील अमीन ने भी एहसान दी की तारीफ है। हजूर ने फरमाया अंता बुदल्ला करना का तरा हो, तू अपने रब न इंज करके याद कर, इंज इबादत कर के तू उसनों वेखना पिया। फ़ैन लम तकुन तराओ फ़ैन ना हुजरा का, अगर ये तेनु नसीब ना हुए मकाम तो फिर इस ख्याल दे नाल वे सा इस नमाज पढ़ के मेरी तरफों तो हिजाब है वह तो मैनू वेखता पाया, यानी तेरे दिल दे विच हजूरी होनी चाहिए है कि मैं हाजिर हाँ, मैं कि हाँ हाजिर हाँ। इसे वास्ते फिर असल नमाज है यही, रूह नमाज है यही, मैं तेरे रूबरू रहूँ तू मेरे रूबरू रहे, मैं तेरे रूबरू रहूँ तू मेरे रूबरू रहे। तो फरमाया किबला है आरिफ बवद नूरे विशाल, कि अल्लाह दी जात पाक दे आरिफ दा किबला जेड़ा है वह अल्लाह दी जात पाक दा विशाल है, कि इस किबले दी तरफ मुँह करके नमाज पढ़ता है। मौलाना रूम ने मसनवी शरीफ च एक लिखा कि एक बंदे ने आरिफ आलिम आरिफ दे कोलो पूछा कि नमाज दे विच अगर बंदा रो पवे तो उनकी नमाज जड़ी है वह टुट जाती है या वह रह जाती है। तो आरिफ ने उसने जवाब दिता, आलिम आरिफ ने उसने आख्या कि जेड़ा रोया उनके कोलो पूछो भी की वेख के रोया है, क्योंकि अथरुआ आते ने आबे दीदा वेखे हो पानी। तो वह फरमाते ने कि जिदा कुछ वेख के रोया है ना, इनू पूछो भी की वेख के रोया है, दुनिया की मुहब्बत दे विच रोया है, औलाद की पारों रोया है, दुनिया की गमा की पारों रोया है, या अल्लाह की जात पाक की मुहब्बत दे विच रोया है। जे तो खाशात नफसानी दे वास्ते रोया है तो फरमाया नमाज होंगी टुट गई, तो जे अल्लाह की जात पाक की मुहब्बत च रोया है तो हजूर है और नमाज है ही हजूर दे वास्ते, हाजरी दे वास्ते है, किस दे वास्ते है हजूर है, फिर नमाज उसकी कामिल हो गई, फिर उसकी की हो गई, क्योंकि नमाज जी है हजूर कलब का ना है, हजूर कलब का ना है, कलब की हाजरी का ना है। जी किबला आरिफ बवद नूरे जाहिद बहुत यजदाने बार फरमा देने कि जाहिद का किबला जड़ा है अल्लाह की जात पाक एहसान करन वाला जड़ा है वह उसका किबला है, कि मेरे ते मेरे मालिक करीम ने आ एहसान किया है, आ एहसान किया है, आ एहसान किया है। तो फरमा देने कि उसका किबला की है अल्लाह की जात पाक का एहसान करन वाला खुदा है। किबला है मुतमे बहुत हमियान जार ते फरमादे ने तमे वाले दा किबला की है, फरमादे ने लालची दा जेड़ा किबला है ना वो बटवा है, बस उसनु और किसे चीज़ दा नहीं पता, ना हलाल दा ना हराम दा ना अपने दा ना गैर दा ना जुलम दा ना कुन किसे शायद दा नहीं, उनु सिर्फ इन्ना ही पता है कि आज जेड़ा मेरा बटवा है किंदे नाल परिचना है, बैंक दे जेड़े पैसे पैने वो किवें वधने ने,
एक लालची का किबला की है हमयानदार उनका किबला वो थैली जिंदे पैसे होंगे ने बस उन्हों उनका सारा कुछ है उस थैली वास्ते है भी ये किमें परिचेगी किमें रहेगी किमें मैं संभालना है किमें इसकी हिफाजत करनी है जी किब ने उत्ते फरमाया कि फलसफी जड़ा है उनका किबला की है फरमाते ने कि फलसफी का किबला वाहे में बस आओ या तो आओ जगह आओ जगह आओ जगह और सारी जिंदगी ऐसे ची गुजर गई बस सारी जिंदगी ऐसे ची गुजर गई फरमाते ने अलामा साहब ने मैनू रुबाई तो नहीं चेते जनाब फरमाते ने कि फलसफी की जी परवाज है ना इस फजा के बच्च रही लेकिन शिकारे जिंदा की लज्जत तो महरूम रहा हमेशा आके किंद च रहा हो जिंदा का शिकार ना कर सकया ना जिंदा की तरफ टुरिया तो जेड़ा शाहीन सी उसकी भी परवाज इसे फजा दे विच है लेकिन उसकी नज़र हमेशा जिंदा शिकार दे उत्ते कि मैं जिंदा नू शिकार करना है तो मालिक दे हाथ दे विचों लै के खाना जो मैनू खवावेगा मैं उसनू शिकार करना है तो उस मालिक ने उन्हें जिस वक्त बुलाना है तो उन्हें वो शिकार समेत हाजिर होना उनके को उन्हें ले लें समझते पाए मौलाना रूह फरमाते ने मतबा किबला है मतमे बवद हमयानो जार के लालची का किबला सोने दी की है हमयानी है गुथली है कि इनू मैं किमें भरना है तो किमें इनकी हिफाजत करनी है तो किस किस तरीके दे नाल इन दे विच मैं पैसे लिया के पाने ने उसनू लालच ने अन्या कर दिता भावें अपनी जान चली जाए आ वेख लो तुसी दुनिया का निज़ाम सारा इस तरह सजावं हुंदियां पईयां ने कोई पता नहीं है अजे तक भी कोई पता नहीं तो मुल्क का हाल भी वेखो भी उनका की बनता पिया है अल्लाह दी जात पाक अपने फजल दे नाल साडे ते करम नवाजी फरमावे तो खुदा रहमत दे नाल नवाजे तो इस मुल्क पाकिस्तान नू खुदा अपने फजल दे नाल आबाद व शाद रखे जी किबलाए मर्दा उस्तादा कर दी अफ साहब की बुलाने अलामा साहब फरमाते ने बुलंद बाल था लेकिन न था जसूरो गयूर फरमाते ने कि परवाज तो बड़ी उनकी उच्ची सी फलसफी दी लेकिन ना दलेरी सी ना गैरत सी उस दे विच हकीम सिरे मुहब्बत से बेनसीब रहा अखे सब कुछ उसने हासिल किया लेकिन उसनु मुहब्बत ना मिल सकी मुहब्बत दे राज दे कोलों की रह गया बेनस बड़िया बड़िया होंदिया
कारनामे बढ़िया बढ़िया ईजादात बड़े बड़े मुश्किल मुश्किल सवालों का हल, लेकिन हकीम सिरे मुहब्बत से बेनसीब रहा कि मुहब्बत के राज दे कोलों जिहड़ा है ना वह बे ये उनके नसीब कि मेरी अपनी तखलीक का मकसूद की है इस गल उनकी समझ च फिरा फजाओं में किरगस अगरचे शहीन वार इस जहान ने रंगो बूह दे विच के फजा दे विच शहीन जिहड़ा है ना किरगस यानी गिद्ध गिरज जिहड़ी है वो आखे इस फजा दे विच शहीन की तरह वो भी उड़ती रही बाज की तरह बाज भी उड़िया है तो गिरज भी उड़ी है लेकिन गिरज का उड़ना होर है शाबाज का उड़ना होर है शिकार जिंदा की लज़त से बेनसीब रहा फरमा देने के गिरज जदों भी उड़ी तो थले उन्हें वेख्या तो वेख्या ही उस भी मुरदार कित्थे पिया होया शाहीन जदों भी उड़िया तो उन्हें अखे वेख्या कि जिंदा कित्थे वे मैं जिंदा की तलाश है जिंदा नूं मैं फड़ना फरमा देने अल्लाह की जात पाक दे आशिक शाहीन ने उन्हें आखे सिरे मुहब्बत दे राज दे वास्ते जिंदगी बसर कर दिती है कि मेरी तखलीक का मकसूद की है मैं इस नूं पाना किवें मेहरबानी जी किबला मुर्दान हक मर्दाने हक का माले नेक फरमा देने अल्लाह की जात पाक दे मर्दाने हक जड़े ने उन्हां दा किबला आमाल है उन्हां दा किबला की है कि नेक आमाल हैं जेड़े खुदा की जात पाक की रजा दे वास्ते वो करते ने किबला है ना अहल जाले मुर्दरेक ना अहल दा किबला के जलील जहाल है कि जहालत है और ख्वार कर देने वाली जहालत है कि जिस दे नाल उस दे पल्ले कोई चीज़ भी बाकी नहीं रह जानी जी किबला है माना दरा सबरों द रंग फरमा देने के अहले बातन का जेड़ा किबला है वह सबर ते सुकून है कि जेड़े माने नू जानन वाले ने ना अल्लाह दी जात पाक दे अमर दे उत्ते आजमाइश दे उत्ते उन्होंने सबर भी हासिल हुंदा है और उस आजमाइश दे विच सुकून भी महसूस करते हैं कि करते हैं सबर और सुकून उन्हों का किबला है किबला है सूरत परस्ता नक्शे संग जहर परस्ता दा किबला पत्थर दा नक्श है पत्थर दा नक्श है आरफ़े रूम ने एक जगह दे उते इबादत दी ही गरज भी बयान की कि इबादत दा मकसूद की है ते किस वास्ते बंदे नू इबादत करनी चाहिदी है क्योंकि इबादत दे वास्ते भी जेड़ा है वो किबला की है खाना काबा है ना तो इबादत का खाना काबा की किबला खाना काबा है मौलाना रूह फरमा दे ने कि बंदगी का तू लफज भी सुनिया है
अल्लाह की जात पाक की बारगाह दे विच हाजिर भी होना है, बंदगी भी करना है, लेकिन कोई इंदा हिकमत तो होनी चाहती है। मौलाना रूह फरमा देने कि जे बंदगी करना ही तो फिर ऐस पारो कीता। हाँ जी, बंदगी कुंता छवी कुंता छवी आशक लाल। मौलाना रूह फरमा देने कि अल्लाह की जात पाक की इबादत कीता कर, इबादत आजी और इनकिसारी का ना है, अल्लाह पाक की बारगाह दे विच झुक जान का ना है, और उस तो अगे ज्यादा होर किसी के सामने वो झुक भी तो फरमा देने बंदगी कुंता छवी आशक लाल। अल्लाह की जात पाक की बारगाह दे विच आजी इनकिसारी किस वास्ते हो सकता है कि तेनों अल्लाह पाक अपना इशक नसीब चकर। बंदगी कसबस्त आए दर अमल। फरमा देने कि इबादत जिहड़ी कसब दे विच आ जाती है, अमल दे विच आ जाती है, इसनों अमल आख्या जाता है, अमाले साले आखे जाते हैं। कोई भी फर्जी इबादत होवे तो उसनों अमले साले आख्या जाता है, और अमले साले वह हुंदा जिहड़ा अल्लाह की रजा के वास्ते किया जाए। तो फरमा देने वह अमल जिहड़ा खुदा की रजा के वास्ते किया जाए ना, तो उन्हें जो कबूल करता है तो हो सकता है कि तेनों अल्लाह पाक अपना इशक नसीब ज करे। फरमा देने फर्क की है कि बंदे दे विच ते आशक दे विच फर्ज की। बंदा गुलामी नूं आखदे ने चून अदादी बंदगी ये दोस्त दस्त। मौलाना रूह फरमा देने जिस वक्त तू अपने महबूब की गुलामी नहीं कीती, मैले शाही अज कुछ आज बादशाह बनन का ख्याल कदों पैदा हो गया है कि इस राह दे विच ता गुलामी पहले वे बादशाही रूमी फरमाते ने कि बंदगी तू की है तो बंदगी करना रहना है, पर हो सकता है कि अल्लाह की जात पाक जो कबूल कर लवे तो तेनों इशक नसीब, क्योंकि बंदा क्योंकि कसब है और अमल है, और जेड़ा बंदा अमल करता है जेड़ा मजदूर मजदूरी करता है यकीनी उन्होंने उन्हें उजरत की भी जरूरत है कि मैनू की मिलेगा, मैनू की मिलेगा। फरमाते ने कि मैं तेन दसना भी गुलाम नूं की मिलता है ते आशिक नूं की मिलता। जी बंदा आजादी तमा दारत जद। फरमा देने के बंदा जेड़ा है ना, गुलाम जेड़ा है ना, वो आज़ादी का लालच रखता है कि कदों मैनू आज़ाद किया जाएगा, कदों मैनू आज़ाद किया जाएगा। आशक आज़ादी न खाहत ताबत, जेड़ा आशक है ना वो कभी भी आज़ादी का तालब नहीं होंदा कि मैनू आज़ाद किया जाए। वो ये गल आखदा है कि जौक शौक होर वधना जाए। मेरे हजूर ने फरमाया मेरे दर्द मेरी मर्ज का दारू है दर्द तेरा, ताइयों शौक है दर्द वधावने दा। मेरी मैं मरीज इशक हाँ, और इशक दे मरीज का जेड़ा इलाज की है, मेरी मर्ज का दारू है दर्द तेरा, तेरा दर्द जेड़ा वो मेरी मर्ज का इलाज है,
ताइयों शौक है दर्द वधामने दा। मैनू शौक है कि दर्द घट नहीं होना चाहिए, इनू वधना चाहिए। इनू की चाहिए है? आखते ने ना कि जेरे जिंदगी दे सा ऐवें गुजर गए ने उइयो ही गवाए ने, जेरे तेरे ख्याल च गुजरे ने उइयो ही जिंदगी है, बकाया होर कोई जिंदगी नहीं। जी बंदा है दायम खिले तो इदरार जो उस तक जरा गुलाम है ना, वो जिस वक्त गुलामी करता है खिदमत करता है तो वह हमेशा इनाम व इकराम दाते लिबास खिलत दा वो तालिब बंदा है कि मैनू इस खिदमत दा अजर की मिलेगा। फरमा दे खिलत आशक हमा दीदार ओस्त, अल्लाह की जात पाक दे आशक दा जेड़ा इनाम है वो की वो आखदा मेरा होर कोई इनाम नहीं, हिजाब उठना चाहिए बस, तेरा दीदार ही मेरा इनाम है बस, होर कोई इनाम की जरूरत नहीं। वसकाउम रब्बुहुम शराबन तहूरा, अल्लाह की जात पाक फरमा उन्होंने शराब तहूरा पियावेगा, की प्यावेगा शराबे और हिजाब उठा दिते जाएंगे। अल्लाह पूछेगा भी की तुहानू चाहिदा है, आखते ने या अल्लाह पाक तेरा फजलो करम होया है, ईमान नसीब होया है, इस जन्नत चा हर शय मौजूद है। तीन दफा सवाल, फिर जिस वक्त वो ना समझ आवेगी तो अल्लाह पाक हिजाब उठा देगा, उन्होंने कोई दरम्यान दे हिजाब नहीं रह जाएगा। मौलाना रूह फरमाते ने बंदा दायम खिले तो इदरार जूस तक, गुलाम जड़ा है वह हमेशा इनामो इकराम दा तालिब हुंदा है कि मैनू मजदूरी च की मिलेगा। फरमाते ने आशक खिलत आशक हमा दीदार उस तक, आशक दी जड़ा इनाम और खिलत है सिर्फ दीदार है, तेरी एक नज़र की कीमत मेरी सारी जिंदगानी, बस समझ नहीं, तेरी एक नज़र की कीमत मेरी सारी जिंदगी। अल्लाह दी जात पाक साडे दिल नूं अपनी मुहब्बत उल्फत नसीब फरमावे, हर मवासवा दी मुहब्बत तो साडे दिल नूं पाक कर देवे। एक दफ़ा अलहमद शरीफ पढ़ के, तीन दफ़ा कुल शरीफ पढ़ के, जो लोग इस जहान तो चले गए ने उन्हां दे वास्ते इसाले सवाब करो। अल्लाह दी जात पाक फजल।